भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने जिला मंत्री बजरंगी दुबे के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री बजरंगी दुबे ने बताया कि कंपनियों द्वारा उत्पाद वस्तुओं पर उनका लागत मूल्य लिखा जाए तथा आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए तथा पेट्रोलियम पदार्थों पर भी GST लागू किया जाए तथा प्रतिदिन की वृद्धि पर रोक लगाई जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि किसानों को उनके पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाए एवं खाद्य तेलों, दालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मूल्य नियंत्रित किया जाए। इस अवसर पर राकेश सिंह, जिला प्रभारी KP त्रिपाठी, जिला मंत्री बजरंगी दुबे, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के JP गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला मंत्री बजरंगी दुबे ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, मजदूर किसान, रोटी का सम्मान, मजदूर किसान, रोटी का सम्मान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। बजरंगी दुबे, जिला मंत्री गोरखपुर। के संदर्भ में आप लोग आज का यह कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ के निर्देश पर पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के मुद्रीकरण के नाम पर उद्योगपति सौंपने के विरोध में यह ज्ञापन देश के सभी जिलों में जिलाधिकारी द्वारा, जिला इकाई द्वारा दिया जा रहा है। क्या मांग कर रहा है? मांग कर जो महंगाई जो है, महंगाई को कम किया जाए, जो निजी सरकारी क्षेत्रों को निजीकरण मुद्रीकरण में बेचा जा रहा है उसे रोका जाए और उन्हीं सरकारी संस्थानों में मजबूत बनाकर काम किया जाए और जो उत्पादक वस्तुएं हैं, जो क्रम उद्योगपति खाद्य पदार्थ तेल है, आपके अन्य दलान है, तिलहन है, इनके दामों को जो नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, इससे इनकी कालाबाजारी बढ़ गई है, इसको नियंत्रण में किया जाए और जो कंपनियां सामान बनाती हैं उस पर उत्पादक मूल्य लिखा जाए ताकि लोग जान सकें ये कितने कमाई किया जा रहा है आम जनता से उद्योगपतियों द्वारा।